नमस्कार किसान भाइयों, आज हमें एक प्रगतिशील किसान के साथ में गांव पगिया जिला सोनभद्र और हमारे साथ में नौ युवक प्रगतिशील किसान हैं। इनका नाम है हंस राज मौर्य। इन्होंने पढ़ाई करने के बाद एक नए खेती के बारे में, जो परंपरागत धान गेहूं मक्का सरसों ये करते रहते थे लोग, लेकिन इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी फसल का उत्पादन करें जो बाजार में बहुत उच्च दर पर बिके, महंगी बिके, खर्चा भी कम आए, उत्पादन अच्छा मिले। सूरन की खेती को ये किस तरह से करते हैं, उसमें खाद और उर्वरक कितने दिन में तैयार हो जाती है और बाजार का भाव कैसे मिलता है, उसके बारे में आपको गहराई से जानकारी देंगे। तो हंसराज जी, बताइए सूरन के बारे में। यानी 2 किलो का साइज है तो इसको काट करके आधा आधा किलो का साइज काट लें, बीच सेंटर से काटा जाता है। सेंटर से काटने के बाद इसको क्या कहते हैं, 2 से 2.5 फीट की दूरी पर फसल को अथवा गड्ढा खोद करके रख दिया जाता है और रखने के बाद उसमें से मिट्टी चढ़ा दिया जाता है। मिट्टी चढ़ाने के बाद बस इसमें भराई किया जाता है। भराई करने के बाद, भराई करीब 1 महीने भरने के बाद इसमें खाद दे करके फिर दोबारा पुनः मिट्टी चढ़ा दिया जाता है। और जो कोई थोड़ा मोड़ा घास अगर आता है तो नीचे टोपा लगा करके ग्लाइसिल नारी में आप मार सकते हैं। ग्लाइसिल मार करके उसके बाद फिर आप उसको नसवा हो जाइए, बस उसके बाद खाद का छिड़काव समय समय पर बस करते रहिए। इसमें दवाइयाँ का कोई स्प्रे नहीं है, इसमें कोई दवा भी स्प्रे नहीं किया जाता। और इसके बाद मैक्सिमम करिए सितंबर अक्टूबर जाते जाते इसकी अथवा खनाई करके आप मार्केट में बेच सकते हैं। बेचने के बाद आप उसमें चाहे तो जो इसमें खाली हो जाए खेत, तो इसमें आप फिर वो क्या कहते हैं वो फसल बो सकते हैं। फिर आप उसी निकल रहा है ये आएगा तो 1 टन पड़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये अपना गल के गिर जाएगा, 1 टन निकलेगा, ये करीब 3 फीट जाएगा। और उसके बाद कंद, ये छोटा कंद जो बोया गया था वही गल करके फिर बड़ा कंद का रूप लेता है, 2 से 2.5 किलो ये उसका। इसको कब कटाई, कितने दिन की फसल है ये? ये करीब 3 से 4 महीने की फसल है। 4 महीने। अच्छा, 4 महीने बाद कटाई कर करके आप इसमें चाहे तो बरसात में जो जाड़ा के फसल बो सकते हैं, जो जाड़े में फसलें बोई जाती हैं वो बो सकते हैं। तो एक कंद का साइज लगभग कितना रहता होगा? 2.5 किलो। 2.5 किलो रहता है? 2.5 किलो 3 किलो। तो बाजार में किस रेट में बिकता होगा ये? इसमें वर्तमान में तो आपका 75 से 80 रुपए किलो चल रहा है। तो ये बाजार में आसानी से बिक जाता है? हाँ, जैसे मार्केट में ले जाने पर करीब मंडी में, जैसे मंडी में ले जाते हैं या व्यापारी आ करके घर से भी ले जाते हैं। तो इसका बाजार में आराम से इसका बिक्री हो जाती है। तो आप किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे, क्या ये खेती करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है? हाँ, इसका खेती करके अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। ये अच्छी है ना, इसमें कोई भी अथवा नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें ये अपना जो भी है मार्केट में अगर गिरता भी है तो ये अपना पूंजी खा करके चला जाता है। अच्छा, इसका भंडारण कितने समय तक किया जा सकता है? इसका भंडारण खनाई के बाद 6 से 7 महीने 8 महीने तक किया जा सकता है। जैसा कि आपने सुना सूरन की खेती के बारे में किसान भाइयों, सूरन की खेती हंसराज जी ने किया है और ये देख रहे हो कितना साफ सुथरा पूरा खेत है, बड़े मेहनत से इन्होंने किया है पूरा, देखिए। और इन्होंने जो बताया कि लगभग 2.5 से 3 फीट पौधे से पौधे की दूरी यदि हम बनाते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छे से पौधा विकास करता है और कंद का विकास भी बहुत अच्छा होता है। दूसरा, पौधे की हाइट लगभग लगभग ये मान के चलिए कि जमीन से अगर बात करेंगे तो लगभग 2.5 फीट 3 फीट की भी होती है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत लाभदायक सूरन की खेती है जिसको आपको करना चाहिए। इसमें किसी भी तरह से कीट का, कीड़ों का प्रभाव, बीमारी, जानवर के द्वारा इसको नुकसान नहीं होता है। तो पहली बात तो ये है कि इसमें किसी तरह का बहुत ज़्यादा सुरक्षा नहीं अपनानी पड़ती है, तो आप सूरन की खेती करके अधिक लाभ कमा सकते हैं।